आपके मन में टाइम ट्रैवल को लेकर ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि क्या ये समय यात्रा महज कल्पना ही रहेगी या कभी हकीकत भी बन पाएगी। अब इस सवाल का कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में समय यात्रा की ऐसी बहुत सी दुर्घटना हुई है जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय यात्रा महज एक कल्पना नहीं है बल्कि सच्चाई है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जो खुद को 2030 से आया हुआ समय यात्री यानी टाइम ट्रैवलर बताता है। समय यात्रा के बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि समय यात्रा आखिर होती क्या है। मनुष्य के वर्तमान से भूत या भविष्य में किसी भी समय में अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ यात्रा करना ही समय यात्रा कहलाता है। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति भविष्य की दुनिया से आने का दावा करे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप उसकी बातों पर यकीन कर पाओगे? हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा, लेकिन अब आपको समय यात्रा की ऐसी घटनाओं पर विश्वास करने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट को पास करके सबको हैरान में डाल दिया। इस आदमी का दावा है कि 2030 से समय यात्रा करके वर्तमान में आया है और इसने भविष्य से वर्तमान समय यात्रा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को भविष्य के खतरों से आगाह करने के लिए किया है। 2030 से आए हुए समय यात्री ने दावा किया है कि 2028 तक इंसान का मंगल ग्रह पर पहुंचने का सपना हकीकत बन जाएगा और आने वाले कुछ दिन में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा और जल्दी दुनिया में आर्टिफिशियल रोबोट्स का जमाना होगा। आने वाले समय में इंसान तकनीकी और विज्ञान में आगे बढ़ते हुए ऐसे ऐसे आविष्कार कर डालेगा जो आने वाले समय में इंसान और पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। अगर साइंटिफिक तरीके से समय यात्रा के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं कि समय यात्रा महज एक कल्पना नहीं है बल्कि सच्चाई है और आने वाले समय में इसे साबित करके भी दिखाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दुनिया में जो भी घटना घट चुकी है उसकी छवि और आवाज ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन समय की यात्रा करने के लिए हमें एक विशेष तरह की मशीन की आवश्यकता है जिसे वैज्ञानिक टाइम मशीन कहते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख सकते हैं बल्कि भविष्य में समय यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन इस आदमी के दावों को देखकर हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में समय यात्रा टाइम मशीन के बिना भी मुमकिन हो पाएगी? लेकिन क्या वाकई इस आदमी ने टाइम ट्रैवल किया था? आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना।